आज आपको मैं 2+ पंचर डोरी वाला लीक हो जाने के बाद पंचर को रिपेयरिंग करने का ये स्टिकर दिखाने जा रहा हूँ और मशरूम पंचर और ये कुशन दिखाने जा रहा हूँ। अगर आपका डोरी वाला पंचर लीक हो जाता है तो ये दो प्रकार के मशरूम आते हैं, ये थोड़ा पतला है, ये थोड़ा मोटा है। अगर आपका टायर मशरूम से लगाने से सेट हो जाता है ये तो पंचर वाला देख के बताता है कि मशरूम सही रहेगा या स्टिकर सही रहेगा। तो जो उस पर मैच करता है उस पंचर के ऊपर, जो डिमांड करता है पंचर की हाँ मशरूम सही रहेगा या स्टिकर वाला, तो ये वो लगा देते हैं। और सबसे पक्का काम तो ये होता है कुशन वाला, अंदर बाहर से घिसाई करके ये कुशन भर के और पका दो तो ये बिल्कुल पक्का हो जाता है। ये थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन ये अच्छा होता है। जो मर्सिडीज वगैरह गाड़ियाँ होती हैं उनमें तो अगर ये पका के बनते हैं तो बहुत अच्छा होता है और अच्छा चलता है और टायर अच्छा सर्विस देता है। मतलब ये तरीके थे पंचर 2+ टायर को रिपेयरिंग करने का। हमने बता दिया आपको ये 3 प्रकार के स्टिकर हैं और ये 2 प्रकार के मशरूम हैं और ये कुशन है और 3 प्रकार की डोरियाँ मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। मतलब कई ऑप्शन होते हैं, डायरेक्ट टूपी डालने का ऑप्शन नहीं होता कि आपका अगर पंचर लीक हो गया तो डायरेक्ट लोग ट्यूब डाल देते हैं, ऐसा नहीं। आप स्टेप बाय स्टेप काम को करिए और अच्छा करिए, जो जैसा पंचर डिमांड करता है उसको उस हिसाब से स्टिकर को लगाइए और स्टिकर के हिसाब से पैसा जोड़ के लीजिए। अगर छोटा स्टिकर लगता है बाइक में तो इसी स्टिकर का इस टाइम तो इसका 100 रुपये मिलता है और कार में लगता है तो इसका 150 रुपये मिलता है, और इसका भी 100 रुपये मिलता है बाइक में और कार का लगाते हैं तो 150 रुपये मिलता है। और यही अगर हम कार बाइक में लगाते हैं तो इसका 150 रुपये दाम है और यही कार में लगता है तो इसका 250 रुपये दाम है। अगर इसको हम कार में लगाते हैं तो 250 रुपये दाम है, और इसको हम कार में लगाएंगे तो 150 रुपये मिलेगा, इसको कार में लगाएंगे तो 150 रुपये मिलेगा। मतलब ये टायर पे डिपेंड करता है और टायर पंचर के पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा कहाँ लगाना, उसी हिसाब से पैसे को चार्ज किया जाता है। मतलब इन स्टिकरों के अदला बदली करने पे और लगाने पे ही हमें पैसे बढ़ के मिलते हैं। अगर आप कार में इसको लगाओगे तो आपको इसका 250 रुपये मिल जाएगा, 250 रुपया, और इसका 150 रुपया मिलेगा कार में लगाओगे, और इसी को अगर बाइक में लगाते हो तो आपको 100 रुपये मिलेगा, और इसको बाइक में लगाओगे तो आपको 100 रुपये मिलेगा, और कार में लगाओगे तो 150 रुपये मिलेगा, और इसको कार में लगाओगे तो 250 रुपये मिलेगा। पंचर स्टिकर के हिसाब से रेट को जोड़ा जाता है और टायर के हिसाब से भी जोड़ा जाता है कि अब साइकिल में अगर इसको लगा दोगे तो कोई 250 रुपये थोड़ा देगा आपको, तो उसी हिसाब से टायर कितना महंगा है और कैसा है, किस क्वालिटी का है, उसी हिसाब से रेट को भी जोड़ा जाता है पंचर स्टिकर लगाते हैं तो। और उसी हिसाब से ये मशरूम का है, मशरूम का तो आम रेट है 150 रुपया, इससे ज़्यादा कोई ग्राहक देता नहीं है। तो ये पतला वाला है तो 150 का लगा दो, और ये मोटा वाला है थोड़ा इसको 200 का लगा सकते हो, इसमें भी आप 50 रुपये का फ़र्क करके लगा सकते हो। और ये ये अगर पका के बनाते हो, अगर बाइक में अगर पका के बनाते हो तो आपको 200 रुपये से ज़्यादा कोई नहीं देगा, अगर ज़्यादा कट है तो, क्योंकि भाई इस टाइम बाइक का भी टायर 2000, 1500, 1800, 2000, 2200 ऐसे करके टायर आता है। अगर बंदे का 200 रुपये में अगर टायर बन जाता है कट लगा हुआ तो वो भी दे देगा आराम से, और ज़्यादा चौड़ा कट लगा है तो 300 रुपये भी है, 400 रुपये भी है, 500 रुपये भी, तो कट पे डिपेंड करता है कि वो कट किस प्रकार का है, उसी हिसाब से ये पैसा लिया जाता है। अगर ज़्यादा कट चौड़ा कट है तो फिर तो उसकी रिपेयरिंग अलग तरीके से करनी पड़ती है। बाकी मैं पंचरों का रेट बता रहा हूँ, सिर्फ पंचर अगर आप लगाते हो ना तो मिनिमम कम से कम बाइक का तो अगर पका के बनाओगे तो 200 रुपये मिलेगा आपको, और कार का तो कम से कम 300 रुपया, कम से कम 300 रुपये कार का पका के अगर बनाते हो तो। आपको मेरी अगर जानकारी अगर सही लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।